मैं हूँ ऋषभ। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर पर एसी को कैसे सर्विस करें। तो आज जो हमारा एग्जांपल है वो है स्प्लिट एसी। तो स्प्लिट एसी जो होता है उसमें दो यूनिट होती है। पहली यूनिट जो होती है वो है इंडोर यूनिट और दूसरी यूनिट जो होती है वो है आउटडोर यूनिट। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्प्लिट एसी है और इस इंडोर यूनिट को जो है मैं क्लीन करूँगा। तो सबसे एज ए स्टेप वन सबसे पहले मैं जो मेन स्विच है उसे टर्न ऑफ करूँगा। ओके, उसके बाद जो फ्रंट पैनल होता है उसे मैं दोनों तरफ दोनों साइड से जो है ओपन करूँगा। ओके, और धीरे से इसे मैं उठा दूँगा इस फ्रंट पैनल को। और आप देख सकते हैं कि ये जो एयर फिल्टर जो आपको दिख रहे हैं इसमें काफ़ी सारा डस्ट जो है वो इकट्ठा हो गया है। इसमें बेसिकली दो एयर फिल्टर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे थोड़ा दूर से। ओके, तो अब मैं एक एक करके इन फिल्टर्स को बहुत ही सावधानी से बाहर निकालूंगा धीरे धीरे। ओके, ये पहला फिल्टर आया बाहर। ये जो है हीट एक्सचेंजर फिन्स आपको जो है वो दिख रही है। अब बारी है दूसरे फिल्टर की। आपको बहुत ही केयरफुली इसे बाहर निकालना होगा। ये हीट एक्सचेंजर यूनिट जो आपको दिख रही है फिन्स, ये बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं दिख रही है मुझे। ओके, तो ये है वो फ़िल्टर, गंदे फ़िल्टर जिसकी वजह से जो है मेरा एसी जो है वो जैम हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया फ़िल्टर भी है जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो दो फ़िल्टर होते हैं, प्राइमरी फ़िल्टर और बैक्टीरिया फ़िल्टर। तो बैक्टीरिया फ़िल्टर को जो है मैं धीरे से बाहर निकालूंगा। ओके, ये दूसरा बैक्टीरिया फ़िल्टर भी मैं बाहर निकालूंगा बड़ी सावधानी से। ओके, तो अब मैंने बैक्टीरिया फ़िल्टर निकाल दिए हैं और इसे धोने की बारी आ गई है। जो प्राइमरी फ़िल्टर होता है ये, इसे आप वॉश कर सकते हो, ये वॉशेबल होता है और इसे आप इस तरह से जो है आसानी से धो सकते हैं। काफ़ी सारा कचरा जो है वो इसमें इकट्ठा हो रखा है जिसकी वजह से मेरा एसी जो है बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी फ़िल्टर है वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, बहुत ही साफ़ दिख रहा है मुझे। बैक्टीरिया फ़िल्टर जो है इसे मैं सिर्फ़ झटक के साफ़ करूँगा, इसे मैं पानी से धोऊँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर के कुछ केमिकल्स जो है वो धोने की वजह से बाहर निकल जाए और फिर ये बैक्टीरिया फ़िल्टर ना रहे। तो इसे मैं झटक के साफ़ करूँगा धीरे धीरे। ओके, अब मैंने बैक्टीरिया फ़िल्टर को जो है प्राइमरी फ़िल्टर में वापस से असेंबल कर दिया है और अब मैं इस यूनिट को साफ़ करूँगा। आप देख सकते हैं कूलिंग फ़िन काफ़ी हद तक साफ़ है। इसे मैं सिर्फ़ हल्के वाटर से जो है साफ़ करूँगा। आप इसमें पानी डाल सकते हैं धीरे धीरे। ओके, अब मैंने इसको कम्प्लीटली साफ़ कर लिया है और अब बारी है इन फ़िल्टर्स को वापस इंडोर यूनिट में लगाने की। तो धीरे धीरे मैं इसको अंदर असेंबल करूँगा। केयरफुली। ओके, तो ये पहला फिल्टर हो गया असेंबल। अब बारी है दूसरे की। इसे भी मैं धीरे से इसके स्लॉट में जो है इंसर्ट कर दूंगा। ये रहा इसका स्लॉट। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो चुका है ये। पहले इसकी कंडीशन क्या थी और अभी इसकी कंडीशन क्या है। ओके, बड़े ही आराम से इस चीज़ को करना होता है। अगर ये टूट गया या फट गया तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ओके, अब मैं इसके पैनल को जो है बंद कर दूंगा धीरे से। इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, या आराम से जो है खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। ओके,
अब मैं इसके स्विच को वापस से स्टार्ट करूँगा, मेन स्विच को। और अब मेरा एसी जो है वो चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि ठंडी हवा अब इसमें से आने लगी है और फ्लो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है हवा का। तो ये हुई हमारी इंडोर यूनिट की बात, काफ़ी फ्लो बढ़ गया है और ये लग रहा है कि ये अब ठीक हो गया है। आइए हम चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। ओके, तो ये आउटडोर यूनिट है जिसे आप खोलकर या बिना खोले भी आप जो है क्लीन कर सकते हैं। दो स्क्रू होते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन स्क्रू को इन्हें आप जो है आपको खोलना होता है। और पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे जो है बाहरी बाहर बिना खोले जो है पानी की सहायता से आप साफ़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मग है मेरे पास, एक मग से मैं धीरे धीरे इसमें पानी छिड़क रहा हूँ और जो है गंदा पानी जो कि या बोल सकते हैं मटमैला पानी वो जो है नीचे जो है गिर रहा है और जालिए को जो है अच्छे से धो रहा है। आपको इस पर वाटर की जेट या आपको फोर्सफुली जो है वाटर इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, जैसे कि पाइप या मोटर लगाकर, नहीं तो पानी इसके अंदर चला जाएगा और जो है आपके जो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सारे के सारे जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इसे बहुत ही धीमे धीमे जो है मग्गे की सहायता से जो है आपको धीरे धीरे इसमें जो है पानी डालना है, ताकि सिर्फ पानी सिर्फ जालियों पर ही जाए और जालियाँ धुल जाएँ। ओके, पानी में इस पर छिड़कता जा रहा हूँ। इसे बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्सटर्नल यूनिट जो होती है, जो आउटडोर यूनिट होती है, इस बारिश के समय में ये ऑटोमेटिक साफ़ हो जाती है अगर इस पर पानी लगता है तो। और देख सकते हैं आप कितना मटमैला पानी जो है नीचे इकट्ठा हो गया है ज़मीन पर, धूल मिट्टी जो है आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो जाली है ये पूरी तरह जो है साफ़ हो गई है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन होता है उस पर हिट करें, ताकि आपको मेरे जितने भी नए वीडियोस होते हैं वो आपको उनका आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है यूज़फुल वीडियो जो है देख पाए। फिर से थैंक यू, हैव अ नाइस डे।